नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले दो वीडियो 109, 110 में आपने देखा कि किस तरह ब्राह्मण ग्रंथ वेद इत्यादि यहूदी बाइबल से इंस्पायर गए और मुस्लिम शासन काल में भारतीयों पर थोपे जाने शुरू किए गए। उनका उद्देश्य एकमात्र था कि भारत के मूल दर्शन बौद्ध जैन इत्यादि को पूरी तरह से खत्म करके और उनकी ही बोतल में अब्राहमिक रिलीजन को परोस कर भारतीयों को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से गुलाम बनाया जाए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। आज हम यहूदी बाइबल के इस थर्ड पार्ट में देखेंगे कि और भी क्या क्या बातें हैं जो ब्राह्मणवादियों ने यहूदी बाइबल से कॉपी करके भारतीयों पर थोपने की कोशिश की है, जैसे मनु और मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथों में हमेशा श्राप का डर दिखाना, वंशावली जैसी बातें, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे महापुरुष जो कि पूरी तरह से यहूदी बाइबल से कॉपी करके भारतीय दर्शन में घुसेड़े गए हैं। वीडियो अंतिम तक देखिएगा, आपको काफी कुछ रोचक बातें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम यह बात देखेंगे कि जो ब्राह्मणवाद में यह देखने को मिलता है कि वो श्रेष्ठ हैं, उनकी हर धार्मिक किताब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जैसे कि रट्टम तोतम लगा रखी है, और इसके साथ ही उन्हें अपराध करने पर आम आदमी की तुलना में सजा भी नगण्य देने का प्रावधान किया है। तो ये प्रेरणाएं भी इन्हें यहूदी बाइबल यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट से कॉपी पेस्ट की गई है। आइए मैं आपको पूरे तथ्यों और पूरी कहानी के साथ इसको दिखाता हूँ। चूंकि अब्राहमिक रिलीजन में चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो या इस्लाम हो, उनकी ये मान्यताएं हैं कि धरती पर आने वाला प्रथम व्यक्ति आदम और प्रथम स्त्री हव्वा थी, जो कि इनके यहूदी बाइबल में भी लिख रखा हुआ है। तो इसी के फोर्स वर्स को मैं पढ़कर सुना देता हूँ। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया, यानी कि आदम और हव्वा के दो पुत्र हुए। छोटा पुत्र हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु बड़ा पुत्र कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा यानी परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से भेंट लेके आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट की तो ग्रहण किया, परंतु कैन जो अन्न चढ़ाने आया था उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। और जब आप पूरा ये ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहोवा को मांस बहुत पसंद है। वो अब्राहम के पास भी जाता था तो ताजा बछड़ा कटवा के खाता था, तो बेचारा अन्न क्या ग्रहण करता। आगे सुने, फिर कैन जो किसान था उसे क्रोध आ गया। यहोवा उसे सांत्वना भी दिया, लेकिन कैन का क्रोध नहीं गया। फिर आगे ए टाइम में लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हबील कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? फिर यहोवा कैन द्वारा हबील की हत्या की बात उसे सुनाकर उसे शापित होने का डर दिखाता है। फिर टाइम 12 के आगे सुने, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुणा बदला लिया जाएगा। और फिर यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो कुल मिलाकर इस कहानी में आपने देखा कि कैन अपने भाई की हत्या कर देता है और यहोवा उसे सजा के तौर पर सिर्फ देश निकाला देता है और साथ में प्रिविलेज भी देता है कि ये चिन्ह लेके जाओ, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, और हमला करेगा तो तुमसे 7 गुना ज्यादा बदला उससे लिया जाएगा। अब यही पूरी घटना जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था 110, जो अब्राहम की चौथी पीढ़ी थी यानी कि यहूदा, उससे मैच करा कर देखें तो आप पाएंगे कि यहोवा यहाँ पे पक्षपात कर रहा है और वहाँ पे जो यहूदा का बड़ा पुत्र था एर, उसको वो मार डालता है तो उसकी बीबी तमारा जो है वो विधवा हो जाती है। अब एर का जो छोटा भाई है ओनान, उसको यहूदा कहता है कि तू जा और देवर धर्म निभा, यानी कि नियोग कर तमारा से, तो वो जाता है तो अपना वीर्य जमीन पे गिरा देता है। तो फिर वहाँ पे यहोवा गुस्सा कर ओनान को मार देता है। सोचिए, उसने बेचारे ने सेक्स नहीं किया, नियोग नहीं किया, तो वहाँ पे
यहोवा को गुस्सा आ गया और उसको मार दिया। और यहाँ पे ये हत्या भी कर दिया भाई को तो भी इसको देश निकाला दे रहा है। तो ये मैं बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इसका पूरा का पूरा कनेक्शन ही ब्राह्मणवाद से है। अब मनुस्मृति खोलकर आपको दिखाता हूँ कि यही बात मनुस्मृति में भी लिखी हुई है। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 123-124 देखें। 123 श्लोक का अर्थ, धार्मिक राजा झूठी गवाही देने पर तीनों वर्णों को क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को दंड देकर देश से निकाल दे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दंड देकर देश से निकाल दे तीनों वर्णों को झूठी गवाही देने पर, और ब्राह्मण को केवल देश से निकाल दे, मतलब ब्राह्मण को सजा नहीं देनी है, सिर्फ देश से निकाल देना है। अब 124 श्लोक का भी हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। स्वयंभू मनु ने दंड के जो 10 स्थान कहे हैं तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण के लिए नहीं, ब्राह्मण को राजा देश से निकाल भर दे। यानी कि जो भी अपराध होगा उसमें सजा तीनों वर्णों को मिलेगी, लेकिन ब्राह्मण के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, बस देश से निकाल देना है। तो ये जो नियम लिखे गए हैं मनुस्मृति में, ये पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है यहूदी बाइबल के इस यहोवा और कैन हाबिल प्रकरण से। अब यहाँ पे आपने ये भी देखा कि फिर जब कैन जाने लगता है तो यहोवा उसको एक चिन्ह भी देता है ताकि लोग उसको प्रिविलेज दें, मारे नहीं। तो आपने ये भी देखा होगा कि ये जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो भी अपने को अलग दिखाने के लिए तिलक, टीका, चुटिया, उपनयन संस्कार करके खुद को औरों से अलग दिखाते हैं। अब इसी कैन की कहानी को थोड़ा और आगे सुनिए, और भी रोचक तथ्य आएंगे। जब उसे वहां से देश से निकाल दिया तो वह नोद नामक देश में चला जाता है, वहां नगर बसाता है, बाल बच्चे पैदा करता है। अब उसका बेटा हनोक जन्म लेता है, फिर हनोक से पुत्र इराद का जन्म होता है, फिर समय बीतते रहता है और फिर मतुसायल से लेमेक का जन्म होता है। अब ये लेमेक की कहानी भी बड़ी विचित्र है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। लेमेक ने दो स्त्रियां ब्याह ली जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने यबाल को जन्म दिया, वह तंबुओं में रहना और पशु पालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम यूबाल था, वह बीड़ा और बांसुड़ी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बांसुड़ी बजाने की प्रथा भारत में भी काल्पनिक महाभारत के काल्पनिक किरदार पे थोपी गई है, याद आया होगा, कृष्ण। तो ये जो कृष्ण है वो बांसुड़ी बजाता था, और उसका भी एक भाई था जो पशुपालक था और हल लेके चलता था, जिसको लोग बलराम कहते हैं। और इन दोनों की भी दो माँ थी, और इसमें भी दो माँ है, तो काफी सिमिलरिटी आ रही है। और सबसे ज्यादा तो सिमिलरिटी है कि ये जो बांसुड़ी बजाने की बात आ रही है, क्योंकि भारत में बांसुड़ी बजाने की प्रथा काफी बाद में आई है, लेकिन यहूदी बाइबिल में शुरू में ही दिख रही है। अब इसी 4 वर्ष के 23-24 हाइम को देखें। इसमें जो लेमेक है वह अपनी पत्नियों से कहता है कि उसके पूर्वज कैन पर हमला करने वालों को 7 गुना ज्यादा सजा देने का प्रावधान किया था यहोवा ने, तो उस पर यानी लेमेक पर हमला करने वालों से 77 गुना लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कैन और उसकी वंशजें अन्य मनुष्यों की तुलना में यहोवा द्वारा दिया गया शुरुआती प्रिविलेज की 7 गुना ज्यादा सजा दिया जाएगा दूसरों को तुम्हारे मुकाबले, तो ये बढ़ाकर 77 गुना कर लेता है। और आप देखते हैं कि भारत में भी जब ब्राह्मणवाद शुरू हुआ तो वे खुद को प्रिविलेज लेते गए और दूसरों को नीच से नीच अछूत तक बना दिए। आइए कुछ और समानताएं दिखाता हूँ। अब्राहमिक रिलीजन में कोई भी जन्म से रिलीजियस नहीं होता, बल्कि उसे वाचा बांधना पड़ता है, मतलब जो यहोवा ने इनको प्रॉमिस किया था खतना का, वो सब करना पड़ता है। मुस्लिम अपना खतना कराते हैं तब मुस्लिम बनते हैं, उसी तरह से यहूदी भी अपना खतना कराते हैं तब यहूदी बनते हैं, और ऐसा ही कुछ ब्राह्मण भी करता है जिसको वह उपनयन संस्कार बोलता है। जब तक वह अपने बच्चे का उपनयन संस्कार नहीं करता है तब तक उसका बच्चा ब्राह्मण नहीं कहलाता है। तो आइए मैं आपको खतना की भी पूरी कहानी सुना देता हूँ। यहूदी बाइबल के उत्पत्ति चैप्टर के 17 वर्ष में खतना का पहली बार जिक्र मिलता है, इसको मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश भी अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। फिर ईश्वर ढेरों सारे प्रलोभन देने लगता है, अब्राहम को उसका नाम अब्राहम भी कर देता है और उसकी पत्नी का नाम सारा कर देता है। अब्राहम
अब्राहम को जातियों के समूह का मूल पिता बनाने के भी पेशकश कर देता है, फिर बुढ़ापे में अब्राहम के बच्चे पैदा करने का भी लालच दिखाता है। और एक नियोग से तो बच्चा ऑलरेडी इस्माइल हो ही चुका था, ये दूसरे बच्चे की बात हो रही है। और फिर हाइम 10 में कहता है कि मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है कि तुम में से एक एक का खतना हो, तुम अपनी खलड़ी का यानी पेनिस का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। मतलब जो एक कोडवर्ड कि अब तुम मेरे शागिर्द हो, उसका ये कोडवर्ड था कि तुम्हें अपने पेनिस का अग्रभाग का जो मांस होता है उसको कटवा लेना है। यानी यहोवा ने सीधा फरमान सुना दिया कि खतना करा लो और हर पीढ़ी का करवाओ, सबका करवाओ, यही मेरे साथ मेरी कृपा होने की प्राइमरी कंडीशन है। और हाइम 14 में हिंसा करने की धमकी तक दे डालता है। सुनिए, जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। अब सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि यहोवा इंसान को पैदा किया हो और पैदा करके अचानक से उस पर एक फरमान जारी कर दे कि उसे अपने पेनिस के अग्रभाग की चमड़ी काटनी है और नहीं कटवाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो यह कितनी हास्यप्रद बात है जो लोग ये कहते हैं कि यहोवा ने इंसान को बनाया। अगर यहोवा इंसान को बनाता तो उनकी खलड़ी का टोपी भी उड़ा के ही देता, यानी कि कटी कटाई आती उनकी खलड़ी, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि यहोवा या किसी भी ईश्वर ने किसी इंसान को न बनाया न बना सकता था। और इस पूरी घटना को ध्यान से देखें तो यह पूरी तरह से अब्राहम का षड्यंत्र प्रतीत होता है जिसने यहोवा के नाम पर अपनी सोच को थोप दिया लोगों पे। अब इसी में 24 हाइम में लिखा है, जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था और दोनों का खतना एक ही दिन हुआ था। तो ये वही इस्माइल है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाजिरा जो अब्राहम की दासी थी उसका इसने नियोग कर दिया था, उसी से ये पैदा हुआ था। और चूंकि इसका खतना हुआ था अब्राहम के बाद दूसरा यह व्यक्ति था तो इसीलिए इस्लाम में इस्माइल को नबी माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितने भी रिलीजन है, संप्रदाय है, ये सनातन नहीं है, बल्कि ये लोग जबरदस्ती ब्राह्मण बनते हैं, मुस्लिम बनते हैं, यहूदी बनते हैं, तो ये सनातन कैसे हो सकते हैं। कुछ और समानताएं देखिए, भारत में मनु नाम का एक किरदार जो थोपा गया है और उसके नाम पर मनुस्मृति लिखी गई है, वह किरदार का एक्सप्लेनेशन भी मत्स्य पुराण में होता है और उसमें बताया जाता है कि मत्स्य अवतार होता है, मछली बढ़ते जाती है और जब इतनी बड़ी हो जाती है फिर उसे संदेश देती है कि अब प्रलय आने वाला है, तुम सारे जीव जंतुओं की एक एक जोड़ी और कुछ साधु संतों के साथ जहाज की व्यवस्था करो, उसमें बैठकर खाने पीने का इंतजाम करो। यह पूरी कहानी ही यहूदी बाइबल में जो नूह है, जिसको नोआ भी कहा गया है, उसी से कॉपी पेस्ट किया गया है। जैसा कि हमने देखा कि आदम और हव्वा की जो वंशजें आगे बढ़ती जाती हैं और जब लेमेक का जन्म होता है, इसी लेमेक का एक पुत्र का नाम नूह था। यहूदी बाइबल के उत्पत्ति चैप्टर के 3-6 वर्स में इसको लिखा गया है और उसमें यह भी दिखाया गया है कि जब धरती पे बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा और जो मनुष्य की बेटियां होती थी उनसे देवताओं के पुत्र भी शादी करने लगे, फिर और भी बहुत सारे मामले बढ़ गए व्यभिचार के, तब ईश्वर जो है उसका दिमाग काम नहीं किया कि कैसे इस मामले को ठीक किया जाए, तो उसने सोचा कि चलो सबको निपटा ही देते हैं, तो वह जल प्रलय ला दिया। तो नूह जो है उसी को बताया, सारे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का एक एक सेट ले लिया और एक बड़ा सा जहाज बना के जल प्रलय में जहाज पर ही बैठकर इंतजार करता रहा, फिर जब पानी कम हुआ तब वहां से बाहर निकल के आया। तो इस तरह से ये जो मनु का किरदार है यही यहूदी बाइबल से कॉपी किया गया है। और जहां तक मनुस्मृति की बात है उसमें की भी बहुत सारी बातें इसी यहूदी बाइबल से कॉपी है, कुछ तो मैं पहले श्लोक दिखा ही चुका हूँ। अब जैसे ही नू इसी यहूदी बाइबल के उत्पत्ति चैप्टर के 8 वर्स के 20 हाइम को सुने, जब नू पानी कम होने पर जहाज में से बाहर आता है धरती पर, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पंछियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। अब यहाँ पे देखिए दो बात आती है, एक तो होता है कि यहोवा ने वेदी बनाई, अशुद्ध पशु मतलब कि बिना खंडित पशु और पंछी, इनको बलि देने का जो काम है ये सारे ब्राह्मण करते आए हैं, हाल के दिनों तक करते आए हैं और कुछ मंदिर में अभी भी चल रहा है, यानी कि ये जो बलि प्रथा है ब्राह्मणों की ये सारा का सारा वहीं से कॉपी पेस्ट है। और दूसरी बात की इसमें जो श्राप देने की बात आ रही है, ये श्राप भी जो ब्राह्मण ग्रंथ में हर बात बात पे दिखता है ये भी यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है, क्योंकि यहूदी बाइबल में जो यहोवा है वो बात बात पर श्राप दे देता है, कभी कभी तो इसके जो
जो पैगंबर हैं वो भी श्राप दे देते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे इसी उत्पत्ति चैप्टर में 9 वर्स के 24-25 में लिखा है, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। एक्चुअली में नूह पीकर नंगा होके रूम में घूम रहा था, तो छोटा बच्चा जो है अपने भाइयों को बता देता है, वो सब जाकर उसे कपड़े ढक देते हैं। यही घटना थी। तो जब उसका नशा उतर जाता है तो नूह अपने छोटे बेटे को श्राप दे देता है, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो, परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाएं और वह सेम के तंबुओं में बसें और कनान उसका दास हो। तो देखिए यहाँ से दास बनाने की प्रथा की शुरुआत कर देता है नूह। और मनुस्मृति पर चर्चा करें तो ये जो मनु है मत्स्य पुराण वाला, तो ये भी मनुस्मृति इसके नाम पर चलती है, उसमें भी नियम कानून यही लिखे हैं और पूरे भारतीयों को ये शूद्र बना देता है और नूह यहाँ पे अपने बेटे को श्राप दे देता है। तो कुल मिला के बलि चढ़ाना, बात बात पर क्रोधित होकर श्राप दे देना और नियम कानून बनाकर किसी को दास बना देना, शूद्र बना देना, ये सारा कार्य भी इसी यहूदी बाइबिल से प्रेरणा लेकर ब्राह्मणों ने भारतीयों पर थोपा है। और जब आप यहूदी बाइबिल की उत्पत्ति चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे बात बात पर वंशावली दी गई है, हर किरदार की वंशावली दी गई है। और भारत में भी जब मुस्लिम काल आया तो ब्राह्मणों ने वंशावली खेलना शुरू कर दिया था, यानी वंशावली का भी खेल इन लोगों ने यहीं से कॉपी पेस्ट किया है। और जाते जाते एक और खास बात बता दूं कि इसी उत्पत्ति चैप्टर के 10 वर्ष में नूह की वंशावली दी गई है। इसी के 6 हाइम को अगर आप पढ़ें तो इसमें कुश का नाम आता है और कुश के 5 पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र का नाम रामा भी है। तो ये जो भारत में काल्पनिक कहानी पढ़ाई गई है रामायण, जिसमें राम किरदार है और उसका बेटा कुश है और कुछ मौर्य और कुशवाहा लोग खुश होते रहते हैं कि नहीं वो सम्राट अशोक की संतान नहीं बल्कि राम और कुश की है, तो मान के चलिए कि वो लोग राम और कुश नहीं इन यहूदियों की संतान है अगर ऐसा सोच रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि भारत में जो ये फर्जी वंशावली थोपी गई है, जो ये फर्जी काल्पनिक चरित्र थोपे गए हैं, ये सारे के सारे यहूदी बाइबिल उन्हीं के कल्चर, उन्हीं के नाम, उन्हीं की वंशावली से उठाए गए हैं। और इसीलिए हमें अपने मूल कल्चर को पहचानना होगा और ये भी पहचान करनी होगी कि किस तरह से ब्राह्मणवादियों ने इन फर्जी चरित्रों को हमें पकड़ाकर, हमारे लोगों को पकड़ाकर फंसा रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस सच्चाई का पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।